और उधर राज्यसभा सांसद और अधिवक्ता विवेक तन्खा ने ट्रोल आर्मी पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया। विवेक तन्खा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। हाई कोर्ट ने मेरे को हमारे केस में नोटिस इश्यू किया, बट हमको इंटरिम राहत नहीं दी। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि आप हाई कोर्ट वापस जाइए और प्रयास करिए इमीडिएट हियरिंग की। वो हमको नहीं मिल पाई तो हम सुप्रीम कोर्ट वापस आए कल, और सुप्रीम कोर्ट को हमने बताया कि हम तो हर वर्ग की भले के लिए आए हैं, हम रोटेशन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जिससे कि सबको चांस मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भाई हम आपकी बात जब फाइनल हियरिंग होगी उस वक्त हाई कोर्ट भी सुन सकता है, हम भी सुन सकते हैं, और उस वक्त अगर ये असंवैधानिक पाया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाता है, तो हम पूरा इलेक्शन रद्द कर सकते हैं, क्योंकि बात उचित सी लगी मुझे। तो मैंने चुप रहा हो गया। मैंने कहा ठीक है साहब, ओबीसी के संदर्भ में हमारी ना तो कोई पिटिशन है ना हमारी कोई प्ली थी। ये जो आदेश हुआ है ये सरकार के संदर्भ में हुआ है और सरकार को दायित्व दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराए। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपना काम कर दिया है, लेकिन अब पूरे मसले पर एक तरफ जहां जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो नजरें जमा कर बैठे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने आ गए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देखिए निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है ही। वजह यही है कि जिस तरह का आरक्षण का मुद्दा जो गरमाया, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कांग्रेस जैसा बीजेपी का कहना है, और वहां से जो गाइडलाइन मिली है उसके बाद आज निर्वाचन आयोग ने भी बैठक ली, और निर्वाचन आयोग ने ये कहा है 7 दिन में जवाब मांगा सरकार से, खासकर ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो उनको अपना जवाब देना होगा। लेकिन इस जवाब से पहले, जैसा कि विवेक तन्खा साहब कह रहे थे कि हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है, हमने तो सबके लिए कहा था, लेकिन अब मुद्दा तो यही है कि चुनाव जो रोका गया वो ओबीसी के लिए, क्योंकि जो गाइडलाइन जारी की गई, जो निर्देश जारी सुप्रीम कोर्ट से दिए गए हैं, तो उसमें जिक्र ओबीसी का है, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया। आपसे थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा जी ने भी सीधा नाम भी लिया विवेक तन्खा जी का, और सीधा हमला बोला कांग्रेस पर, और ये कहा कि ओबीसी का भला नहीं चाहती है कांग्रेस। तो अब ये मुद्दा अलग दिशा में चले गया, और एक तरह से कहा जाए तो जो मौका भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी वो मिल गया है, और वैसे भी बीजेपी हमलावर है इस बारे में बात करने के लिए, कहने के लिए, और वो दिखाई भी दे रहा। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। आप अभी लंबी बैठक भी चली, आप देखिएगा, तस्वीरें दिखाता हूँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे, और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा भी हुई है कि आगे किस तरह की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी। बैठक के सारी खत्म हो गई है, लेकिन समझा जा सकता है कि बीजेपी कांग्रेस सामने सामने बने रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से विवेक तन्खा साहब ने अपनी सफाई दी है उस पर बयान बीडी शर्मा का आया। जया बिल्कुल, लेकिन आगे भी देखना होगा मनोज जी के आगे और किस तरह की प्रतिक्रिया निकल कर सामने आती है दोनों ही पार्टियों की। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो समय पर पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन ये निर्णय बैठक के बाद निकल कर आया है, राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक जो हुई, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है।